तो वो देख लेना, क्योंकि मैं खुद एक कोना पकड़ के सो गया था भाई, रात भर से सोया नहीं था। देखो पानी आ रहा है कैमरे पे। चलो मैं यहाँ से निकलता फिर बात करता हूँ, ठीक है? यार सामान रख दिया, पानी बॉटल ले लिया, सैनिटाइजर है मेरे पास, मास्क लगाया है, और हम जा रहे हैं। रुको यार, बता देंगे कहाँ जा रहे हैं। ये प्लान कुछ ऐसे एकदम रैंडम बना, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसका हम इस बार व्लॉग बना लें। आइडिया अच्छा है ना। फिलहाल अभी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। कुछ रात में खाना भी ज़्यादा नहीं खाया था, तो मुझे भूख लग रही थोड़ा बहुत। कुछ मम्मी ने जो पैक करके दिया वो खाऊँगा। तो अरे वे काम करते हैं, सीधा वहीं पहुँच के मिलते हैं, ठीक है? वेलकम टू ऋषिकेश। हालांकि हमको जाना देहरादून है, लेकिन वेलकम टू ऋषिकेश। आते ही इस मौसम ने प्यारी सी बारिश का स्वागत कर दिया हमारा। और भाई साहब मतलब इधर का व्यू देखो तो कुछ नहीं है, ठीक है? इधर देखोगे तो काले घने बादल, वाह। अभी तो फिलहाल यहाँ से अभी बारिश धीमी हो गई है, जैसे ही ट्रेन आई थी ना इतनी तेज़ बारिश थी भाई साहब, क्या बता, क्या ही बताए। और ट्रेन में मैंने कुछ खास व्लॉग नहीं करा, दो तीन चार शॉट निकाले मैंने, तो वो देख लेना, क्योंकि मैं खुद एक कोना पकड़ के सो गया था भाई, रात भर से सोया नहीं था। देखो पानी आ रहा है कैमरे पे। चलो मैं यहाँ से निकलता फिर बात करता हूँ, ठीक है? स्टेशन से एग्जिट तो हो गया हमारा, और अच्छी बात यह कि हमने दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो हमको इस जगह जाने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट के लिए। और हम इस दिखाता हूँ एक मिनट, इस प्यारे से व्यू को एंजॉय करते हुए चुपचाप बाहर निकलेंगे। अब बस देखना है कि यहाँ से मुझे कन्विंस कैसे मिले, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूँ ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पे, तो लेट्स सी कैसे कन्विंस मिला। कि बहुत अच्छा बन गया यार। बन गया यार ये तो, मतलब मुझे जहाँ तक याद है मैं आया हूँगा यहाँ पे 2016 आई गेस लास्ट ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पे। एंड भाई साहब देख क्या प्यारा बन गया है, मतलब नेक्स्ट लेवल। वैसे ये फ्रेम अच्छा लग रहा ना, बाबा जय हो, गजब है यार, बहुत अच्छा बन गया। और यार मौसम तो हर बार कमाल करता ही है यहाँ पे यार। तुम भी हॉर्न, अरे हॉर्न वॉर्न तो अभी सब बजेंगे यार। चलो 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 अभी चलना है, फिलहाल देहरादून निकलना है जल्दी। फाइनली स्टार्ट हो गया व्लॉग। हाँ अच्छी रही जर्नी। सुबह बहुत ज़्यादा मतलब सुबह बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहा था, क्योंकि रात भर का सोया नहीं था, खाना आना भी सही से नहीं खाया था, ट्रेन पे मेरे से खाना ज़्यादा नहीं खाया था, तो उस वजह से ना एनर्जी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही ऋषिकेश उतरा हूँ मैं, बारिश आई है, एक अंदर से अलग मतलब अलग फोर्स आई कि भाई साहब अब शुरू कर दो व्लॉग। फिर जब वहाँ से रेलवे स्टेशन से निकला, वहाँ से देहरादून के लिए बस करी, फिर देहरादून आके दो कन्विंस चेंज करे, तब जाके मैं इस लोकेशन पे पहुँचा। बिकॉज मैं यहाँ पे नया था इस एरिया में, ये करनाल रोड देहरादून सहजधारा रोड के पास, तो मैं यहाँ के लिए नया था, तो इतना आइडिया था नहीं। बट सो फार सो गुड, सही रहा। मैं पहुँचा हूँ 6:30 के आसपास, फ्रेशन अप हुआ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करा, देन मैं फिर आसपास एक्सप्लोर करने निकल गया कि ऐसी कोई जगह मिले जहाँ पे बैठ के मैं इस व्लॉग को एंड कर सकूँ, बिकॉज मैं इसी मतलब किसी प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो मतलब दो दिन पहले कॉल आया, फिर दो दिन बाद की टिकट बुक हो गई और मैं देहरादून आ गया। तो उस प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व हो जाऊँगा, तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना व्लॉग कर पाऊँगा कितना नहीं।
ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ भाई ट्रैवलिंग का बहुत मज़ा आया मुझे। अभी आए हैं चिकन रोल खाने के लिए हम, तो खा के वापस निकलेंगे। बाकी अगर यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने ब्लॉग, पहला ब्लॉग है, ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे पास क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, ज़्यादा निकल भी नहीं पाए कहीं, तो पहला ब्लॉग है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी टाटा बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, अडियोस अमिगोस, एंड मिलते हैं जल्दी ही दूसरे ब्लॉग में, पक्का एंड प्रॉमिस, क्योंकि अब व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी, तो भाई जो चीज़ स्टार्ट होती है वो रुकती नहीं है, तो अब व्लॉग आते रहेंगे। ये पहला व्लॉग है, इसको देख के बताओ कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।